हेलो एंड वेलकम गाइज, MPMK चल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट PNST काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर 2021-2021, ठीक है। यानी कि अभी जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो कब आने वाला है, जी हाँ बिल्कुल, किस डेट को आने वाला है, और वो जो है 17 सितंबर को क्यों नहीं आया, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप लोगों के जो कमेंट है उनका भी रिप्लाई सारा का सारा इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। सो गाइज, हमने आपको पहले बोल रखा है कि आपके जो कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई हम वीडियोज में देते हैं, ठीक है। जो वीडियो होती है उसमें हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, ठीक है। काउंसलिंग तो हो चुकी, अब आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा तब तक हम कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं वेबसाइट पे जाके कि कब आएगा। सो गाइज, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमारी बात हो चुकी है उनसे। उन्होंने बोला था कि अभी पेंडिंग चल रहा है अलॉटमेंट लेटर, और दूसरी बात कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो कब आएगा, चलिए हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखिए, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम मिड फरवरी में होता, आंसर किया गई थी, रिजल्ट आ गया था अप्रैल में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गई थी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। अब यहाँ पर अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट लेटर की जो डेट यहाँ पर दे रखी है, यानी कि ये है एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि 20 से 26 सितंबर, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो इसी वीक में आएगा, ठीक है, इसी वीक में आएगा, यानी कि इसी सप्ताह में आएगा, कभी भी आ सकता है, डेट फिक्स नहीं है, 20 से 26 सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है। और जैसे आएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना गाइज। तो 20 से 26 सितंबर के बीच, यानी कि इसी सप्ताह में आने वाला है, कुल मिला के बात ये है। अब कुछ लोगों के डाउट थे, कुछ स्टूडेंट के डाउट थे, तो उनको वन बाय वन करके यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइज। ओके गाइज, तो आपके कमेंट यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और सर NA में मेरे 75 नंबर है, OBC में होगा कि नहीं सर, कॉलेज मिलेगा कि नहीं। OBC में आपके बहुत अच्छे अंक है मनीषा जी, आपका बहुत 90% यहाँ पर चांसेस है NA में सिलेक्शन के। अगला है इसिका चौहान, थैंक यू सर, थैंक यू इसिका। सिमरन गौर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सिमरन, ठीक है। गायत्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पापा की पूरी, सर NM की काउंसलिंग कब होगी, जी हाँ बिल्कुल, हमने बोला ना ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और आपका MP ऑनलाइन सबसे लेट काम करता है, ठीक है। जब भी फॉर्म निकालता है तब भी लेट, जब भी एग्ज़ाम करवाता है तब भी लेट, रिजल्ट जारी करता है तब भी लेट, काउंसलिंग करवाता है तब भी लेट, और अलॉटमेंट जारी करता है तब भी लेट, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब सारा जो रिलीज करने का जो इनका होता है ना सॉफ्टवेयर, सब इनके पास है, ठीक है। अगला नेहा, थैंक यू सर, थैंक यू नेहा जी, निक्की थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नीलम जी का, सर NM की काउंसलिंग कब होगी, NM की काउंसलिंग के लिए हमने आपको बताया था लास्ट सितंबर तक आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। मुकेश का कमेंट है, सर मेरे 58 मार्क्स है, तो 58 है ना, रैंक भी आपकी 601 है, बट आपने बताया नहीं कौन सी कैटेगरी है। तो मुकेश जी, कमेंट करके आपकी कैटेगरी अवश्य बताइए, शायद आपने नीचे बताया होगा, इनमें भी आपने शायद अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की हुई है। रीना सिंह, सर जी NM की काउंसलिंग लास्ट सितंबर तक, हाँ बिल्कुल लास्ट सितंबर तक स्टार्ट हो सकती है। अगला कमेंट है कमल, सर PNST की लिस्ट तो अलॉटमेंट 17 सितंबर को आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, तो हमने बोला ना आपकी जो आने वाली तो इसको ही थी, बट वो पेंडिंग है, अभी हमारी बात हो चुकी है MP ऑनलाइन से और उन्होंने बताया कि पेंडिंग है, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आएगा 20 से 26 के बीच में कभी भी आ सकता है, यानी कि इसी सप्ताह में कभी भी आ सकता है कुल मिला के, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। इस्माइल गुप्ता, जी सर थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका वर्मा, सर प्लीज़ बताइए कब तक आएंगे अलॉटमेंट लिस्ट, हमने बताया 20 से 26 सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है इसी सप्ताह में, ठीक है। मोनिका, थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका। अगला कमेंट, सर मेरे 66 के भरत जी का, 66 OBC में,
ओ तो इनको 66 से ना, हाँ हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट ये श्योर नहीं कि आपको मंदसौर वाला ही मिले, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है दुर्गा सर जी, मेरे एनए में 64 है, तो आपके भी अच्छे खासे नंबरिंग है, और स्पेशली वीडियो मिल जाएगा एनएम के ऊपर, आपको सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। अंशिता सर, पीएनएसटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे? पीएनएसटी के फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर में। कब भरे जाएंगे? अक्टूबर में भरे जाएंगे, बट ये पीएबी इसको आगे भी पोस्टपोन कर सकती है, क्योंकि पीएबी का काम है देर से काम करना। ठीक है अगला है सर, बिहार में जेएनएम का फॉर्म कब आएगा? बिहार में तो हमारा जो फॉर्म एमकेएस चल रहे हैं वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है वर्षा जी, निधि सर, बिहार का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? बिहार वालों के कमेंट फॉरम एमकेएस चैनल ना गाइज, वहाँ पे बिहार वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉरम एमकेएस चैनल है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये चैनल तो ओनली मध्य प्रदेश वालों का है, मध्य प्रदेश में बीएस नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन, जेएनएम की, एएनएम की। ठीक है तो फॉरम एमकेएस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। फॉरम एमकेएस चैनल पता है ना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना फॉरम स्पेस देखे एमकेएस। ठीक है ओके पूजा जी, एएनएम की काउंसलिंग कब तक होगी? एएनएम की काउंसलिंग कब तक होगी गाइस? ठीक है तो एएनएम की काउंसलिंग लास्ट सितंबर। पूजा जी हेलो सर, लिस्ट कब तक आएगी? आज जी बिल्कुल, हमने बोला ना 20 से 26 सितंबर के बीच कभी भी आ सकती है। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए, थैंक यू आशू जी। सुदम सर, इसका सेकेंड राउंड होगा क्या? सीटें खाली रही तो थर्ड भी होगा, बट सीटें खाली होनी चाहिए, ये कंडीशन है। सर मेरे 55 है एससी में, कोई चांस है? एससी में एससी और एसटी, हाँ आपके चांस है जी। ठीक है भारती, धन्यवाद सर, धन्यवाद भारती जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट सर, सेकंड काउंसलिंग देखो अगर सीटें खाली होती है तो होगी। सर एलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं आया, किसी के पास भी अभी तक नहीं आया। 20 से 26 के बीच डेट उन्होंने बताई है, यानी कि इस सप्ताह की डेट उन्होंने बताई है। ठीक है और नीलम सर, प्लीज़ कट ऑफ का वीडियो बनाइए। कट ऑफ का वीडियो नीलम जी ऑलरेडी है चैनल पे, जाके देख लो ऑफिशियल। सर आप लिस्ट भेज दोगे? टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, चलिए हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते। सो गाइज, अगर आपको नर्सिंग की पल पल की अपडेट चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल को तो फॉलो करना ही होगा। ठीक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल पे जाके DRM के ब्रो सर्च कर लेना, DRM के ब्रो। ठीक है या फिर ऐसा करो, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, ताकि हर एक अपडेट आपको सेकेंडों में मिलती रहे। ओके गाइज, अगला है PNST एग्ज़ाम कब तक आएगा? अभी तो फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, अक्टूबर में फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम के तो बाद में सोचेंगे। सर अलॉटमेंट कब आएगा? अभी तक नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 26 सितंबर उन्होंने बोला है कि अभी पेंडिंग में हमारी बात हो चुकी है। ठीक है विनीता सर, कब तक आएगा? जी सभी का ये सवाल है। 20 से 26 आयुष राठौर, अलॉटमेंट लिस्ट कब होगी? सर कितने टाइम आएगा? तो सेम क्वेश्चन है सभी का, विनीता जी का, प्रियंका जी का सेम क्वेश्चन है, माया कुशवाहा, निदिजा प्लीज़ सर बताइए। तो हमने बता दिया 20 से 26 सितंबर, यानी कि इसी सप्ताह। अगला आयुष राठौर सर, कल से एड जानकारी नहीं दी, कब तक आएगा अलॉटमेंट? रोज़ वीडियो आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखो, रोज़ वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, कोई ना कोई अपडेट हम आपको देते हैं, ताकि कम्युनिकेशन हमारा बना रहे। मुकेश प्लीज़ सर रिप्लाई, तो रिप्लाई हमने बोला ना, रिप्लाई वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है वीडियो में मिलेगा रिप्लाई आपको, क्योंकि सारी जानकारी सभी को मिल पाती है। अब एक एक से, क्योंकि कमेंट देखोगे ना गाइज, 1000 2000 3000 कमेंट है, तो ऐसे में रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो हमने डिसीजन लिया है कि वीडियो में हम सभी का रिप्लाई तुरंत दे दे। दीप टाटू सर, मॉर्निंग भी हो गई है? जी बिल्कुल, मॉर्निंग से इवनिंग हो गया, इवनिंग से फिर मॉर्निंग हो गई, डे से नाइट हो गई, बट आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। 20 से 26 तक आपको वेट करना होगा। ठीक है 20 से 26 याद रखना। सर प्लीज़ कमेंट का आंसर, देखो
सभी से कहना है मेरा कमेंट का रिप्लाई वैसे पर्सनली आपको नहीं मिलेगा, वीडियो में आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट का रिप्लाई मिले तो पूरा वीडियो देख लिया करो, हम सभी का रिप्लाई देते हैं। देखो अभी एक तरफ से हम निकल के आ रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कि एक का नंबर ले रहे। काजल जी का कमेंट है, सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हाँ, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट तो पहले आ चुका, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। एनएम का कब तक आएगा अगला कमेंट, तो एनएम का लास्ट सितंबर। अगला मुकेश जी का, मुकेश जी और इनके साथ सभी से कहना है कि रिप्लाई अगर नहीं आता है ना राइटन में तो परेशान मत होइए, क्योंकि वीडियो में ही हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। सर अभी तक नहीं आया, जी बिल्कुल काजल पांडे, आज 19 हो चुकी है, 20 हो चुकी है, बट नहीं आया, ठीक है। प्रियंका सु, आया कि नहीं आया, जी बिल्कुल एक्साइटेड तो होते ही है, देखो स्टूडेंट हो आप और एक्साइटेड रहता हो अपने अलॉटमेंट को लेके, रिजल्ट को लेके, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे हमको भी बहुत एक्साइटेडमेंट रहता था कि कब आएगा रिजल्ट, कौन सी कॉलेज मिली है, ठीक है, तो वो रहता है। तो टेंशन फ्री रहिए, 20 से 26 के बीच आएगा। हमारे टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं था इतना फेमस, हर जानकारी न्यूज़ में देखनी पड़ती थी, आपके टाइम पे तो हर एक अपडेट आपको घर बैठे मिल जाती है, ठीक है। अगला, सर जिनके फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं करवाई पाई क्या सेकंड में, देखो ऐसा है अगर जिन्होंने फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं करवाई ना तो वो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा सकता, जी याद रखना, जिनके फर्स्ट में भाग नहीं लिया है तो वो सेकंड में भाग नहीं ले सकता। सर प्लीज़ पता करके, पता कर लिया हमने, इसी सप्ताह के लिए बोला। सर कितना टाइम लगेगा, तो अभी 20 से 26 हमने आपको बताया, इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, एक सप्ताह का। सो वीडियो लंबा हो रहा है, अभी कमेंट तो बहुत सारे हैं, तो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे गाइज, ठीक है। अगले वीडियो को ज़रूर देखना, ये बाकी के जो कमेंट है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, और आपका अलॉटमेंट लेटर इसी सप्ताह में आ जाएगा।